खुश आमदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ में खैर मकदम है। CPI इंसाफ पार्टी लीडर मोहम्मद अकील ने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश करते हुए कहा है कि TSRTC बस चेयरमैन को बुलाकर राजेंद्र नगर डिपो की बस नंबर 300 जो कि बड़ला गुड़ा जहांगीराबाद सवेरा होटल के पास बस स्टॉप है, वहां बस नहीं रुकी और वहां तारनाका से चंद्रायन गुट्टा बंडलागुड़ा और बल्लागुड़ा जहांगीराबाद बस स्टॉप के पास रुक रही है, जिसकी वजह से स्कूल के कई सारे बच्चों और बच्चियों और कॉलेज के जाने वाले बच्चे बच्चियों और आम आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये बस नहीं रुकने की वजह से आज पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश की है कि इस बस के यहाँ पर रुकने के इंतज़ाम करें और चेयरमैन को इस बारे में तवज्जो दिलाए। इस मौके पर अकील साहब की अपील की गई कि पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC डिपार्टमेंट, जितने भी मुतालिका डिपार्टमेंट है उन सब की तनख्वाहें बढ़ाने की भी अपील की गई और कहा कि या नहीं करने की सूरत में CPI पार्टी इसके जानिब धरना प्रदर्शन मुनक़िद करेंगे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद रफ़ीक की HKA न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये राजीनगर बजरूप की बस है, 300 नंबर है। ये चंदानुपे से बल्लागुड़ा चंदानुपे से हो लेते हुए ये जहांगीरना घर बजरूपू है, वहाँ पे नहीं रुक रही है बस। ये ड्राइवर साहब नहीं रोक रहे और कंडक्टर साहब बदतमीजी पना कर रहे थे, जो बस में कंडक्टर रहते। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरी अपील है बसों के जो चेयरमैन है, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो चेयरमैन जरा इन लोगों पर ज़रा समझाए, बोले इन लोगों को कि ये बसा रोको, जहाँ जहाँ बस डिपो है वो रोक लेना, रोक के आवाम को बिठा कर ले जाना चाहिए। बदतमीजी पना कर रहे कॉलेज के, वहाँ बच्चे आगे ठहरते और हमारे ख्वातीन बहना है वहाँ से, कॉलेज से आते, स्कूलों से भी आते, आगे ठहरते, उन लोगों को तकलीफ हालत का सामना करना पड़ रहा है। मैं ख़ास तौर से वज़ीर आला से अपील करता हूँ, मेरी डिमांड है कि मैं CPI पार्टी से एहतजाज करूँगा, मैं इन लोगों के बस वालों के, कंडक्टर और ड्राइवरों के तनख्वाहें बढ़ाओ, RTC वालों के ख़ास तौर से, ये मेरी डिमांड है। ये ट्रैफिक वालों के, लैंड ऑर्डर वालों के और बल्दिया में जितने डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के तनख्वाहें बढ़ाओ, ये हमारी डिमांड है। नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। मैं हैदराबाद सेक्रेटरी मोहम्मद अकील इंसाफ CPI, मैं ख़ास तौर से ये अपील करता हूँ हुकूमत से कि ये ड्राइवरों की तनख्वाहें बढ़ाओ। और एक बात, ये जो बस जो आ रही कहाँ से, राजीनगर बजदीपुर से आ रही 300 नंबर बस, आए बात से ये फलखुमा ये छाइमीरना घर ने रुकने की बस नहीं रुक रही। तो ये हमारी डिमांड है कि जितने भी बसा वाले RTC वाले लोग हैं उन लोगों पे चेयरमैन का काम है कि उन लोगों को बोलना, ताकीद करना, नहीं तो हम चेयरमैन पे भी एहतजाज करेंगे। हम उन पे भी, हमारी डिमांड है उनसे भी कि ये चीज़ को अमल में लाओ, ना होने की सूरत में हम एहतजाज करेंगे।